ये कहानी है 5वीं शताब्दी की, जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुमार गुप्ता द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय भारत का ज्ञान का प्रतीक कहा जाता था, लेकिन आज यह एक खंडर में तब्दील हो गया है। कहते हैं पुराने जख्म की निशानी हमें पुरानी बातें याद दिलाती है, तो चलिए देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का ये हाल किसने और कैसे किया। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज क्यूरियस विंग। We are here to give wings to your curiosity. Today's video is all about Nalanda University. तो यह 1193 AD में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो आग इतना डिजास्ट्रस था कि यूनिवर्सिटी को जलने के लिए ऑलमोस्ट 3 months लगे। और इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में अराउंड 90 lakhs हैंड रिटन बुक्स थे, और जस्ट बिकॉज वो बुक हैंड रिटन थे उनकी कोई दूसरी कॉपीज हमारे पास नहीं थी, और इंडिया इन बुक्स को कभी रिकवर नहीं कर पाया। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा लॉस था, सिर्फ इंडिया का ही नहीं इवन पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा लॉस था। सो टू अंडरस्टैंड दिस इवेंट लेट्स डाइव इनटू द पास्ट। ईयर 319 टू 540 AD तक भारत में गुप्त साम्राज्य था, जिसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता था बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 5th century में कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी इन एंशियंट डे मगध, दैट इज इन प्रेजेंट डे बिहार। नालंदा ये वर्ड संस्कृत के 3 words के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज ना आलम दा, जिसे हम ज्ञान का भंडार कहते हैं। नालंदा को धर्मगुंज भी कहा जाता था, जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ नॉलेज। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने का रीज़न था टू स्प्रेड बुद्धिज्म एंड टू स्टोर इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। और नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लर्निंग सेंटर एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जिसमें 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स रह सकते थे। यहाँ जापान, पर्शिया, तिब्बत, ईरान, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोल और कई देशों से लोग पढ़ने आते थे। इस यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड की जाती थी, जिन्हें राजा फंड किया करते थे। और इस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा और कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी के 3 main libraries थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। और ये सारे लाइब्रेरीज मल्टी स्टोरी थे। हर्षवर्धन, नागार्जुन, ह्वेनसांग, येजिंग और आर्यभट्टा वर द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और कहते हैं आर्यभट्टा तो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। जो ह्वेनसांग और येजिंग है ये चाइना के बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि इन्होंने इंडिया से चाइना ऑलमोस्ट 1000 संस्कृत टेक्स्ट वहाँ ट्रांसपोर्ट किए थे, जिसमें से ह्वेनसांग 657 और येजिंग 400 बुक्स ले गए थे। लीगली थे वो सारे बुक्स एंड वी मस्ट थैंक देम, क्योंकि उनके एफर्ट्स की वजह से सारे फैक्ट्स एंड सोर्सेस हमें मिल रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी पर टोटल 3 बार अटैक हुए थे, जिसमें से पहला अटैक 5th century में हुनास ने किया था, जिसे स्कंदगुप्त ने डिफेंड तो किया ही था बल्कि आगे जाकर उसे फिर से रिबिल्ड भी किया था। वहीं 7th century में गौतम राजवंश ऑफ बंगाल ने 2nd attack किया था, जिसे हर्षवर्धन ने रिबिल्ड किया। वहीं 3rd और final attack मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर 1193 AD में किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत ही सिली रीज़न के लिए डिस्ट्रॉय किया। कहते हैं खिलजी एक बार बीमार हो गया था, उसने कई इस्लामिक हकीमों से अपना इलाज कराया, लेकिन उनके इलाज का असर खिलजी पर नहीं हो रहा था। तो कुछ हकीमों ने खिलजी को सजेस्ट किया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के वैद्य राहुल श्रीभद्रा से अपना इलाज कराइए। शुरुआत में तो खिलजी इनकार कर रहा था, लेकिन दिन ब दिन जैसे उसकी तबीयत और ख़राब होती गई खिलजी मान गया। राहुल श्रीभद्रा ने खिलजी को कहा कि तुम रोज कुरान के कुछ पेजेस पढ़ा करो, जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो सकती है। देखते ही देखते खिलजी की तबीयत ठीक हो गई। आगे जाकर पता चला कि श्रीभद्रा ने उन कुरान के पेजेस पर दवाई की लेप लगाई थी, और खिलजी को ये बात जैसे ही पता चली वो नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया। खिलजी ने यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को मार दिया, चाहे वो मॉन्क्स हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, और कहते हैं कुछ को तो उसने जिंदा ही जला दिया। और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिनात सिराज की बुक तबाकत ई नसीरी से मिली। और तो और खिलजी वहीं नहीं रुका, बिहार में लोकेटेड दो और यूनिवर्सिटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिनका नाम था विक्रमशिला और उदंतपुरी। जैसे स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं,
वॉट इफ अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज के दिन भी प्रेजेंट होता तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सिनेरियो अलग होता और फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट इंडिया पढ़ने आते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके मन में जो भी क्यूरियस टॉपिक्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी।